ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भाई तेरे को एक कार्ड देंगे, इंश्योरेंस कार्ड। वो कार्ड लेके आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपके परिवार का, परिवार का एक इंडिविजुअल, परिवार का साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी कब? जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, उसको खांसी है, बुखार है, रोज के मर्रा की दवाइयां वो नहीं मिलेंगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, टेस्ट नहीं होंगे डेली के डेली का। अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा तो तेरे परिवार का साल का 5 लाख रुपए का खर्चा मुफ्त है। इंश्योरेंस, अब वो इंश्योरेंस लेके क्या करे? उत्तराखंड में चले जाओ आप, कहीं अस्पताल नहीं, 50-50 कोस दूर लोग अपनी खटिया के ऊपर वो डंडी सिस्टम क्या कहते हैं उसको, एक वो लेके जाते हैं, वो वहां पे एक लोकल टर्म है। वो अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? कार्ड लेके कहां जाएं इलाज कराने के लिए? अस्पताल तो बनाओ पहले, अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ है। सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, एक कार्ड पकड़ा दिया कि प्राइवेट में जाके अस्पताल में इलाज करा लो। आयुष्मान भारत दूसरा, उसमें यह लिखा हुआ है कि केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय साल की 2.5 लाख रुपए से कम है। 2.5 लाख रुपए मतलब 20,000 रुपए, 20,000 के लगभग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है। 20,000, जिसके 30,000 रुपए हो गए वो इलाज करा सकता है? आज इतना महंगा इलाज हो रहा है वो इलाज करा सकता है? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, क्या 50,000 रुपए वाला भी अगर एक हार्ट अटैक हो जाए इलाज नहीं करा सकता अपना? कह रहे हैं आयुष्मान भारत उस पर 5 लाख की लिमिट। दिल्ली के अंदर का जो मॉडल है, मैं पहले आयुष्मान भारत बताया, उसमें यह भी लिखा है सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पर, दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में कंपलसरी है, हमारे पीछे पड़े हैं, इसको लागू करो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको, हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल। फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए, जहां जाएगा उसको 5 लाख रुपए तक का, सरकारी में भी 5 लाख तक का फ्री मिलेगा, प्राइवेट में भी। अरे हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर, हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? आप कहते हो कि सरकारी अस्पताल में पहली बात तो हम पैसे लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे तो पैसे लेंगे, दवाई लेंगे तो पैसे लेंगे, डॉक्टर जो बैठा है उसके वो उसकी जो कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे, और वो 5 लाख रुपए तक। हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया, सारों का फ्री कर दिया। ये कहते हैं 2.5 लाख रुपए की इनकम वालों को देंगे, हमने तो सारे अमीर गरीब सबका फ्री कर दिया। तो तुम्हारी आयुष्मान भारत अच्छी है, हमारी हमारी केजरीवाल मॉडल अच्छा है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर इनकी आयुष्मान भारत अच्छी है, जीटीबी अस्पताल में अभी चले जाओ, बॉर्डर पे है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर, जीटीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू है पिछले 4 साल से, फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुड़गांव की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर फरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, और वो प्राइवेट में नहीं आ रहे, सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी में 5 लाख की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इलाज करा लो। अरे पूरे देश का बोझ उठा रखा आज दिल्ली के, दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने। ये बचा रहे नजफगढ़ के अंदर, वो पूरे हरियाणा के लोग हैं भैया, सारे हरियाणा के लोग नजफगढ़ के अंदर हरियाणा वाले। अरे आयुष्मान भारत लागू है, वो इधर क्यों आ रहे हैं फिर इलाज कराने के लिए? और इतना भ्रष्टाचार है अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी ने आयुष्मान भारत का सितंबर 2018 से 2021 तक का उन्होंने जांच करी, 964 अस्पतालों की जांच करी, 161 जिले, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसमें उन्होंने पाया 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका डेट ऑफ डिस्चार्ज डेट ऑफ सर्जरी के पहले था, मतलब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, सर्जरी बाद में हो गई, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, सर्जरी बाद में हुई है, तो फेक केस थे। 46,000 केस ऐसे निकले जिसमें डिस्चार्ज की डेट एडमिशन की डेट से पहले थी, मतलब आदमी डिस्चार्ज पहले हो गया, एडमिशन बाद में हुआ। 2 लाख से ज्यादा केस ऐसे निकले जो मरे हुए लोगों के थे,
ढेरों केस ऐसे निकले जो एडल्ट्स के थे और उनको पीडियाट्रिशियन ने इलाज कर रखा था, बच्चों के डॉक्टर से इलाज करा रखा था एडल्ट्स ने। 9 लाख केस ऐसे निकले जिसमें एक ही फोन नंबर था, 9999999999, ये फोन नंबर 9 लाख लोगों का निकला। इस तरह के बहुत घपले निकले। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुष्मान भारत कह रही है। ये इनका मॉडल है और हमारा मॉडल है। हमने शानदार अस्पताल बनाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने शानदार